नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीमा कोट 200 इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन के फायदे जानेंगे, नुकसान जानेंगे और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कितने दिन इसको इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पर टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, प्रीमा कोट 200 इंजेक्शन आता है मैकलियोड कंपनी का और इसमें जो सॉल्ट है वो है हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सस्टीनेट इंजेक्शन। हाइड्रोकोर्टिसोन इसमें 200 mg होता है और इसका जो MRP है, MRP इसका 6887 पैसे है, मतलब कि 69 रुपये का आपको ये एक इंजेक्शन मिलेगा। तो चलिए बात करें थे इसके यूजेस की, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग स्टीराइड के रूप में किया जाता है और हाइड्रोकोर्टिसोन एक स्टीराइड है जिसका उपयोग बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है, या कह लीजिए कि और जो दवाइयां दी जाती हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए, रोगों को ठीक करने के लिए, उनके साथ में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। जैसे कि इसका उपयोग एलर्जी को ठीक करने के लिए, एक्जिमा या फिर बहुत गंभीर खतरनाक एलर्जी हो गई है किसी को, चरम रोग, अस्थमा, दमा, गठिया बात का रोग, पेट की सूजन, बुखार, पेट की आंतों में सूजन आना या फिर खुजली वाले लाल चकत्ते, दर्द, सूजन और त्वचा की सूजन, आंखों में किसी प्रकार का रोग है या समस्या है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और किसी भी प्रकार के कीड़े के काटने पर, कोई कीड़ा अगर काट ले तो उसमें भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। दाद खाज खुजली, ठंड लगाकर बुखार आना, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन को IM और IV दोनों प्रकार से लगाया जा सकता है, यानी कि इसे नस में भी लगाया जा सकता है और IM यानी कि इंट्रामस्कुलर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इसे मांस में बैक साइड में लगाया जा सकता है। इसकी डोज की बात करें तो दोस्तों, इसे सुबह शाम भी बता सकते हैं डॉक्टर या फिर एक टाइम, और इसे 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करने को नॉर्मली बताते हैं डॉक्टर, और जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनके साथ में इसे दिया जाता है, अकेला इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और डॉक्टर जब टेस्ट वगैरह कर लेते हैं पेशेंट का, चेकअप करके ही इस इंजेक्शन को रेकमेंड करते हैं, ठीक है। तो अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल ना करें। और इसमें जो पाउडर बेस इंजेक्शन होता है और इसके साथ 5 ml का स्टरलाइज वाटर भी दिया जाता है, जो कि इसमें मिक्स करके इसे लगाया जाता है। मेरे पास जो है यूज़ किया हुआ इंजेक्शन है, तो ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, ये वाटर इसमें मिक्स करके फिर यूज़ किया जाता है। अगर IM लगाना है तो 2 ml और अगर IV लगाना है तो 5 ml या फिर 4.5 ml मिक्स किया जाता है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं दोस्तों, वो होते हैं अगर इसको लगाने से पेट में दर्द होता है और छाले होते हैं या फिर उल्टी, घबराहट होती है या फिर मोटापा आता है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है और मतली आती है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। पहले ही इंजेक्शन लगने से इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस इंजेक्शन को ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं किया जाता है पेशेंट पर, जैसे कि अगर 2 दिन या 3 दिन बोला है तो उतने दिन ही इस्तेमाल करना चाहिए, जितने दिन आपको डॉक्टर बोले उतने दिन ही इसका उपयोग करना चाहिए, अपनी मर्जी से इस इंजेक्शन को नहीं लगवाना चाहिए, ठीक है। तो ये था प्रीमा कोट 200 इंजेक्शन का रिव्यू। आपको वीडियो कैसा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है, और शेयर ज़रूर करना ताकि ये यूज़फुल वीडियो सबको पता लग सके, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।